हेलो, गुड आफ्टरनून। और शुरू करें, कभी इंग्लिश में एडजेक्टिव का नाम सुना है आपने? एडजेक्टिव है तो उसी में कल आप हमारे मीटअप पे मिलने आएंगे तो बहुत सारे बच्चे आए होंगे, सभी का स्वागत रहा और बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, ठीक है ना? वेरी गुड रमन, शाबाश। नोटिस तो भेज दिया गया होगा, मेरी क्लास पहले ही भेज दी होगी, ठीक है ना? चलो तो आ जाओ, अभी मैंने शुरू नहीं, क्लास अभी शुरू कर रहा हूँ। तो आज ये टॉपिक को शुरू करें और मैं जल्दी ही शुरू करूंगा, पर मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखूं ना। देखिए, मैं तुम्हारे सामने दो तीन शब्द लिखता हूं। जैसे मैं एक शब्द लिख देता हूं सुंदर, एक मैं लिख देता हूं प्रसिद्ध, और एक लिखता हूं मैं कमजोर, कमजोर, और एक लिख देता हूं मैं महान। कोई मुझसे पूछे ये क्या है तो मैं कहता हूं ये गुण है, और जितने भी गुण है वो विशेषण होते हैं अगर देखा जाए। और हम कैसे पता लगाते हैं? हम पता है इन शब्दों के साथ संज्ञा फिट कर देते हैं। ये मैंने प्रसिद्ध लिखा, बच्चे प्रसिद्ध। मैं ये कह सकता हूँ सुंदर बालक, सुंदर फूल, ये सुंदर फूल की विशेषता बता रहे हैं, है ना? अगर मैं कहता हूँ प्रसिद्ध नागरिक, प्रसिद्ध जासूस, पता है विशेषण वो होता है जिसके साथ हम संज्ञा फिट कर देते हैं। ये सारे शब्द विशेषण ही लिखे हैं मैंने। तुम्हें एक चीज सीखनी है, ऐसा कौन सा शब्द तुम्हारे सामने लिखूं कि तुम ये पहचान लो ये विशेषण है या नहीं है या वाक्य में। तो अभी मैं बस विशेषण शुरू करूंगा, आज मैं बिल्कुल अलग तरीके से विशेषण पढ़ाऊंगा। तुमने पढ़ा होगा, पर विशेषण ऐसे शब्दों को कहते हैं जो गुण होता है, और जो किसका गुण हो, संज्ञा और सर्वनाम का गुण हो, उसे हम कहते हैं विशेषण। तो शुरुआत कर रहा हूं, देखिए भाई बताइएगा सीधा सीधा। पर मुझसे कोई पूछे ना कि कमजोर विशेषण है तो ये बिल्कुल विशेषण है। मैं कहता हूँ कमजोर आदमी, तो क्या आदमी की एक विशेषता है वो कमजोर है, तो ये उसका गुण है, ठीक है ना? गुण अवगुण। तो शुरू कर रहा हूँ, देखिएगा, बस शुरू करूंगा मैं और बताते जाइएगा, देखें कितनों को विशेषण आया। पर इंग्लिश में इसे कहते हैं एडजेक्टिव, और कैसे पहचानोगे, शुरुआत कर रहा हूं मैं, देखिएगा। तो मैं सीधा अर्थ से लिख रहा हूं, जैसे हिंदी में पढ़ाते हैं मैं अभी वैसे ही पढ़ा रहा हूं। देखिए, अगर मुझसे आप पूछेंगे कि क्या पढ़ाने जा रहे हो, मैं कहता हूँ विशेषण, और कहा पूछा जाए कि विशेषण किसे कहते हैं, तो हमारी हिंदी में देखिए विशेषण किसे कहते हैं, पहले लिखूंगा फिर पूछूंगा आपसे सेंटेंस से। मैं लिखने जा रहा हूं कुछ शब्द के, विशेषण किसे कहते हैं, कि जो शब्द, नोट करो, नोट करके देखते रहना, जो शब्द संज्ञा, एक चीज तो लिखी मैंने, जो शब्द, एक मिनट रुकिएगा बच्चे, जो शब्द सुनना, जो शब्द, फिर मैंने दो एरो डाल दिए और मैंने लिखा संज्ञा। ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बात, संज्ञा, और दूसरी चीज लिखी सर्वनाम, और फिर मैंने इनको ऐसे मिला दिया। मैंने लिखा हमारी हिंदी में जो भी शब्द हैं, जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम, और फिर मैं लिख रहा हूं कि विशेषता, विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अरे भाई, हमारी हिंदी में जो भी संज्ञा और सर्वनाम की क्वालिटी बता देगा, उनके गुण को बता देगा, उनकी विशेषताओं को बता देगा, वो ही विशेषण कहलाता है। गुड आफ्टरनून, सुनते रहिए। हाँ, क्वालिटी ही है सारी, और क्वालिटी ही विशेषण है, बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं सीधा आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो एक बात तो सीख ली, अरे जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता देगा उसे हम विशेषण कहेंगे। अब मैं उदाहरण से पूछना चाह रहा हूँ, देखें कितने बता पाएंगे, और फिर मैं एक टेस्ट लूंगा आपका आज मैं इसे, क्योंकि विशेषण बहुत मुश्किल नहीं है भाई। देखिए विशेषण की परिभाषा, अब मैं दो तीन एग्जाम्पल देता जाऊंगा, बताओ। पहला बड़ा आसान देता हूं, मैं लिखता हूं राम ईमानदार है। मैंने एक शब्द दिया, राम क्या है, ईमानदार है। मुझसे कोई पूछे कि भाई ये पूरा वाक्य दे दिया, इसमें विशेषण कौन सा शब्द है, तो मैं कहता हूं विशेषण ये है, ईमानदार। ओके, कैसे? तो देखिए, जब मैं इस पूरे वाक्य को पढ़ूं, मैं कहता हूं राम ईमानदार है, तो ईमानदार कौन है, राम ही तो है या नहीं है? क्या ये शब्द इसकी विशेषता बता रहा है? अरे राम ईमानदार है, तो ईमानदार कौन है, राम ही तो है। तो जो शब्द किसी की विशेषता बताएं, यानी किसकी विशेषता बताएं, या तो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। पहली बात, तुम बस विशेषण चेक करते जाना। बेटा अभी काजल मैं पेडोगोजी नहीं ले रहा हूं, अभी समय बहुत है, इसलिए मैं पहले व्याकरण की चीजें निकाल रहा हूँ। ये भी तो पढ़ानी है मुझे व्याकरण, तो मैं पहले व्याकरण पढ़ा दूं फिर सारी पेडोगोजी पढ़ानी है आपको। पेडोगोजी की करीबन 6-7 क्लास है, वो देनी है मुझे। आप पहले पेडागोजी पढ़ लो, बाद में व्याकरण पढ़ोगे, बात तो वही पड़ेगी, गद्यांश भी कराऊंगा, पर पहले व्याकरण को समापन कर दो। विशेषण पूछा जाता है, संज्ञा में भाववाचक पूछा जाएगा, अलंकार पूछा जा सकता है, उपसर्ग प्रत्यय पूछा जा सकता है। इसलिए आप मेरे तरह से थोड़े से भी चलो, सीटेट वाले बच्चों को एकदम लगता है कि
अरे पेडोगोजी करा दूंगा तुम्हें, बहुत आसान लगेगी, चिंता ना करो, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा दूंगा, बस आप जो मैं करता जा रहा हूँ वो देखते जाइए। कुछ टॉपिक आपको पढ़ने हैं, मैं आपको खत्म कर रहा हूँ, फिर सीधा टेस्ट कराऊंगा इसका, चलिए आज ज्यादा नहीं। तो जब मैं कहता हूँ राम ईमानदार है, तो ईमानदार कौन है? राम। क्या ये शब्द संज्ञा है? संज्ञा पढ़ा चुका हूँ। तो कहते हैं जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर एक सेंटेंस दे रहा हूँ, बताओ, अगर मैं कहता हूँ तुम आलसी हो, मैंने क्या तुम और क्या लिखा, तुम आलसी हो। अब मैं किसी को कह रहा हूं तुम आलसी हो, तो बताओ क्या आलसी कौन हो? तुम हो। क्या ये शब्द सर्वनाम की विशेषता बता रहा है? तो जो शब्द संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। पर अगर कभी पूछो ईमानदार, क्या ये किसी का गुण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और कई बार ईमानदार किसका गुण हो सकता है? ईमानदार व्यक्ति का गुण हो सकता है, ईमानदार बच्चे का गुण हो सकता है, ईमानदार बच्चा, ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार साधु, क्या ये विशेषता प्रकट करेगा किसी ना किसी की? क्लियर नहीं दिख रहा बच्चे? क्लियर तो दिख रहा है, मैं तो काफी बड़ा लिख रहा हूं तुम्हारी वजह से। चलो मैं दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेता हूं, ठीक है? तो याद रखना, अभी एक सेंटेंस और देखने दो, सुनो, अभी रुको, अभी तुम्हें बताना है, बड़े बड़े सेंटेंस लिखूंगा, तुम ये पहचानो जब मैं कहता हूं। और ना समझ में आया तो देखिए भाई, राम क्या है? संज्ञा है क्या? है क्रिया है। तो यही शब्द बताइए विशेषण है। पर जब मैं कहता हूँ राम ईमानदार है, तो ईमानदार राम ही तो है। तुम आलसी हो, तो आलसी कौन है? तुम हो। तो ये शब्द सर्वनाम की विशेषता बता रही है, संज्ञा की। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अभी सुनते रहिए, लेकिन एक काम करें सभी बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसे। जब भी आप वाक्य से विशेषण पढ़ रहे हो, तो वाक्य में केवल विशेषण ही नहीं होता, वाक्य में विशेषण के साथ विशेष्य होता है। इस वाक्य में विशेषण, जब भी कोई सेंटेंस से विशेषण पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें एक चीज होती है विशेषण, वो भी पहचानना आना चाहिए उस वाक्य में, और एक चीज होती है विशेष्य। ध्यान से सुनना मेरी बात, और मैं फिर पूछने जाऊंगा तुमसे कुछ वाक्य, फिर मैं पूछने जाऊंगा वर्तमान का समास बताना। वर्तमान है, वर्तमान, देखिए वर्तमान अगर मुझसे कहेंगे तो वर्तमान आप रखें, वर्तमान है जो नया हो, आधुनिक हो, वर्त जो वर्त को मानने वाला हो, ठीक है ना, जो आधुनिक की बात करने वाला हो, ठीक है ना। तो वर्तमान अगर मुझसे पूछेंगे तो आप इसे तत्पुरुष में रखिए, आलसी सही, विशेषण बताते जाना कौन कौन से। अब सुनिए, कोई मुझसे पूछे विशेषण किसे कहते, तो सुनिएगा, कहते हैं जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है किसी की, उसे कहते हैं हम विशेषण। ये रहा विशेषण ईमानदार। पर देखिए विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष्य, उसे कहते हैं विशेष्य। ध्यान से सुनिएगा, मैं कहता हूं अगर मुझसे पूछेंगे पहले वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो विशेषण है ईमानदार। इस बात को ध्यान रखना, ईमानदार, क्या आप दिख रहा है सबको? और अगर मुझसे पूछेंगे पहले वाक्य में विशेष्य क्या है, तो विशेष है राम। फिर सुन लीजिए, जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है वो तो विशेषण है, जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जा रही है वो तो विशेषण है, और जिसकी वो विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहेंगे। तो विशेष्य राम है और विशेषण ईमानदार है। दूसरे वाक्य में उससे पूछोगे कि विशेषण कौन सा होता है, तो मैं कहता हूँ विशेषण आलसी है, क्योंकि आलसी से विशेषता बताई जा रही इसकी, तो जिस शब्द से विशेषता बताई जाए वो विशेषण है, तो दूसरा विशेषण कौन था इसमें? आलसी। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे कि यहाँ आलसी किसकी विशेषता बता रहा है, तो तुम की, इसकी बता रहा है, तो ये क्या है? विशेष्य। तो दूसरा विशेष्य कौन है? तुम। अच्छा एक काम करो, विशेषण तो तुम हर हालत में पहचानोगे, पर विशेषण गुण भी होते हैं, और आलसी, आलसी ना किसी का गुण नहीं, अवगुण कहता हूं मैं इसे, पर अब गुण दो ही प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे, इस बात को ध्यान रखना। तो ये दोनों विशेषण है, ठीक है। लेकिन एक काम करो, विशेष्य कौन है? राम और तुम। लेकिन देखिए विशेषण जब भी तुम किसी वाक्य में देखोगे तो छांट लोगे, वो किसी का गुण सा नजर आएगा, लेकिन विशेष्य कौन होगा? विशेष्य तुम्हें वैसे विशेष्य भी इस पहचान लोगे जिसकी विशेषता बता रहा है विशेष्य, पर विशेष्य की गारंटीड चीज होती है क्या, कि विशेष्य दो में से एक होगा, या तो संज्ञा या फिर सर्वनाम, क्योंकि विशेषण हर हालत में किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा सर्वनाम की। तो मैं लिखने जा रहा हूं, सुनिएगा, मैं दूसरा पेज ले रहा हूं, यहां कुछ शब्द दे रहा हूं, बताना विशेषण विशेष्य। सुनो अगर मैं कहता हूं काली गाय, मैं अगर लिखूं काली गाय, बड़ा आसान सेंटेंस दे रहा हूं, गाय बैठ गई, बताइए इसमें विशेषण कहाँ है? बस बताते जाइए, काली गाय बैठ गई। देखिए मुझसे कोई कहेगा काली विशेषण है या नहीं, पर मैं कहता हूं मुझे पता नहीं लग पा रहा, पर गाय विशेषण नहीं है, क्योंकि गाय तो दिख जाएगी, गाय तो संज्ञा है, संज्ञा शब्द थोड़ा ना विशेषण होंगे। और क्रिया क्या हुई? गई या बैठ गई? बैठ गई। इसमें सही शब्द क्या है? काली। तो देखिए विशेषण गुण भी हो सकते हैं, अवगुण भी हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा ना बदतमीज लड़का, वह लड़का बदतमीज है, तो बदतमीज उसका गुण है, ठीक है ना। गुण दो तरह के होते हैं, बुरे भी अच्छे भी।
तो अवगुण भी देख सकते हैं, गुण भी देख सकते हैं और रंग भी देख सकते हैं। रंग अगर कभी दिखाई दे किसी का वो विशेषण ही होगा। पर मैं कहता हूं काली का बैठ गई, बताओ विशेषण कौन है? काली। और इसकी किसकी विशेषता बता रहा है? विशेष की, गाय की। ये विशेषण है, ये विशेष है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है? नहीं है। पर विशेष अगर है तो दो में से एक होना चाहिए, संज्ञा है, सर्वनाम तो संज्ञा भी है। बात समझ में आई? कभी कभी इसे थोड़ा सा बड़ा करके भी लिखेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूं आसान, अगर मैं कहता हूं, कई बार ऐसे भी देंगे। देखिए अगर मैं कहता हूं तार पर, तार पर गर्म कपड़े, बड़े आसान सेंटेंस दे रहा हूं तुम्हें, बहुत मुश्किल नहीं है। गर्म कपड़े सूख रहे हैं, सूख रहे हैं, तो कोई मुझसे पूछे कि इसमें विशेषण कौन सा है, तो देखिए कैसे निकालो, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। देखिए तार मुझे दिखाई देगी, तार विशेषण नहीं हो सकता क्योंकि यह संज्ञा है, जो दिखता है वो संज्ञा है। पर कारक चिन्ह है, छोटे अक्षर विशेषण नहीं हो सकते। पर कभी सुना कर्ता ने कर्म को करण से, पर कोई मुझसे पूछे गर्म क्या विशेषण है? अब ये गर्म किसी की विशेषता बता रहा है, बताओ गर्म कौन है? कपड़े। ये विशेषता किसकी प्रकट हो रही है? कर्म की। तो ये है विशेषण, ये तो विशेषण हो गया जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है, और जिसकी वो विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेष। ये है विशेष, पर विशेष दो में से एक होना चाहिए, या तो संज्ञा या सर्वनाम, क्योंकि विशेषण हर हालत में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो यहां ये विशेष है। बात समझ में आ गई होगी तुम्हें, ठीक है या नहीं है? कभी कभी देखिए मैं अजीब सा सेंटेंस लिखूं, गंगा का पानी, गंगा का पानी मीठा है, या बहुत मीठा है। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, बहुत मीठा है, या पहले मैं इतना ही लिखूं, गंगा का पानी मीठा है। तो तुम एक काम करो, बताओ मीठा कौन है? पानी। और किसका पानी? गंगा का पानी। तो विशेषता किससे प्रकट हो रही है? मीठे से। क्या ये विशेषण है या नहीं है? आप ऐसे पहचान लिए। और विशेषता किसकी प्रकट हो रही है? पानी की। और पानी की नहीं, गंगा का पानी, ये पूरा इसमें विशेष माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तुम इससे ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं आएंगे, समझ में आया? ठीक है, बताओ गर्म विशेषण है। क्या वाकई में मीठा विशेषण है या नहीं है? अरे गंगा का पानी मीठा है, कई बार ऐसे भी आएगा। तो मीठा कौन है? विशेषण। यही तो गुण है, किसका? पानी का। और जिसका ये गुण होता है विशेष होता है, और पानी संज्ञा है, ठीक है या नहीं? इस तरह से आता है। अब एक बात सुनिए, कभी कभी इसी सेंटेंस को थोड़ा ऐसे बदलेगा, ध्यान से सुना, मैं बदल के दिखा रहा हूं। अगर मैं ये लिखता गंगा, एक चीज और सीखो, गंगा का पानी बहुत मीठा है, कई बार ऐसे भी देंगे। तो देख चीज सुन लीजिए तुम सब, चलिए बताइए, जब मैं कहता हूं गंगा का पानी बहुत मीठा है, इसमें गुण कौन सा है? विशेषण गुण की तरह दिखेगा, अवगुण की तरह दिखेगा, रंग की तरह दिखेगा। तो बताओ मीठा कौन? मीठा विशेषण है। अरे गंगा का पानी बहुत मीठा है, और मीठा कौन है? गंगा का पानी। तो देखिए सुनिएगा मेरी बात, ये विशेषण था अभी बताई मैंने बात, समझ में आ रही है बात या नहीं? और मीठा कौन है? गंगा का पानी। ये क्या है? ये विशेष है, और विशेष दो में से एक होना चाहिए, संज्ञा है सर्वनाम, ध्यान रखना ये विशेष है। पर कभी कभी एक चीज और छांटनी आनी चाहिए, हर वाक्य में वाक्य आ रहा है तो उसमें विशेषण भी होगा और उसमें विशेष्य भी होगा, इस बात को ध्यान रखना, उसमें विशेषण भी होगा और विशेष्य भी होगा। लेकिन एक चीज सुनिए, जब मैं कहता हूं गंगा का पानी बहुत मीठा है, तो मीठा तो गुण है, और ये किसका गुण है? गंगा के पानी का, ये विशेष्य है। पर कई बार पूछा जाए कि इसमें बहुत क्या है, तो देखिए इसमें बहुत ना प्रविशेषण है, बहुत क्या है? प्रविशेषण है, इस बात को ध्यान रखना। आपको वाक्य में तीन चीज छांटना आना चाहिए, वो पूछ सकता है इसमें विशेषण क्या है, वो इसमें पूछ सकता है विशेष्य कौन है, और वो पूछ सकता है प्रविशेषण कौन सा है, इस बात को ध्यान रखना है। तो मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है, मीठे से विशेषता बताई जा रही है, किसकी? पानी की। जिस शब्द से विशेषता बताई जाए वो तो विशेषण है, और जिसकी वो विशेषता बताता है वो विशेष है, और विशेष दो में से एक होने चाहिए, संज्ञा है सर्वनाम। लेकिन जब मैं कहता हूं गंगा का पानी मीठा तो है, पर जब मैं कहता हूं गंगा का पानी बहुत मीठा है, पर क्या ये बहुत इस मीठे को बढ़ाने का काम कर रहा है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण, लेकिन जो विशेषण को बढ़ाने का काम करता है, विशेषण की विशेषता बताता है, उसे हमारी हिंदी में प्रविशेषण कहते हैं। तो तुम्हें वाक्य के अंदर प्रविशेषण छांटना आना चाहिए, प्रविशेषण छांटना आना चाहिए। बात समझ में आई? एक सेंटेंस और दे रहा हूं, इससे ज्यादा मुश्किल सेंटेंस तुम्हें नहीं दूंगा, मुझे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सारी बात। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, अगर मैं कहता हूं सीता
अत्यंत, बड़े आसान सेंटेंस दे रहा हूं, सुंदर है। आप मुझे बताइए इसमें विशेषण कौन सा है, पूछेगा वो तुमसे, सीता अत्यंत सुंदर है। यहां किसी की विशेषता किसी से की जा रही है, किसी का, किसी की विशेषता प्रकट की जा रही है, और किन शब्दों से प्रकट की जा रही है बताइए। हाँ, पानी ही विशेषण था उसमें, लेकिन पूरा बताइए, गंगा का पानी मीठा है, तो पानी तो मीठा है, पर किसका पानी था वो, गंगा का पानी, तो विशेषता तो गंगे के पानी की प्रकट हो रही है, ना कि पानी की। तो थोड़ा सा एक काम करना है, आप इसे पूरा विशेषण माने, गंगा का पानी की बात हो रही है, ये पूरा विशेष्य था। ठीक है रमन, ध्यान रखिएगा, बड़ा आसान चीज है। मैं ये कहता हूं सीता तो संज्ञा दिखती है, सीता है तो संज्ञा है, तो विशेषण नहीं हो सकता। सीता का, सीता अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर कौन है, सीता, जिससे विशेषता बताई जाए वो विशेषण है, विशेषण है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है, विशेष्य है। और ये अत्यंत सुंदरता को बढ़ाना चाह रहा है, तो ये है प्रविशेषण, इस बात का ध्यान रखोगे तो आपको वाक्य में तीनों चीजें आनी चाहिए। ठीक है, चलिए हो गया। अब मान लीजिए किसी को विशेषण कमी आया हो, पर तुम्हें एग्जाम में सेंटेंस नहीं आता, कभी कभी विशेषण का प्रकार आएगा, लेकिन विशेषण वन वर्ड में छांटना आना चाहिए। एक और सेंटेंस बताइए सभी लोग, अगर मैं कहूं, देखिए मुश्किल दे रहा हूं, एक किसे भी बताओ, घर में अत्यंत विषैला, बताइए सांप घूम रहा है, घर में अत्यंत विषैला सांप घूम रहा है। हालांकि इतने बड़े सेंटेंस नहीं आएंगे, छोटे आते हैं, घर में अत्यंत विषैला सांप घूम रहा है, बता सकते हो इसमें विशेषण कौन सा है। तो देखिए कैसे निकालो, घर विशेषण नहीं हो सकता कि घर दिख रहा है और जो दिखता है वो संज्ञा है, पहले विशेष विशेषण छांटना है। घर में अत्यंत, मुझे नहीं पता अत्यंत विशेषण है, पर देखिए अत्यंत यहां प्रविशेषण था, पर देखिए घर में अत्यंत विषैला, और विषैला कौन है, सांप, और सांप संज्ञा है, तो ये शब्द तो विशेषण हो गया, और घूम रहे हैं क्रिया है, घूम रहा है क्रिया है, क्या विशेषण विषैला है या नहीं है, विशेषण है, घर में अत्यंत विषैला सांप, विषैला सांप, जहरीला सांप, तो विशेष्य विशेषण तो ये हो गया, और किसकी विशेषता बता रहा है वो सांप की, और विशेषण जिसकी विशेषता बताएगा वो दो में से एक होनी चाहिए, संज्ञा और सर्वनाम, क्योंकि विशेषण हर हालत में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये हो गया विशेष्य। और मुझे लगता है ये इसको बढ़ाने का काम कर रहा है, विषैला सांप तो था पर अत्यंत विषैला, बहुत विषैला, ये है प्रविशेषण। मुझे नहीं लगता आपको इतनी मुश्किल आई होगी इसमें। ठीक है, बात ध्यान रखोगे इस तरह से पहचानो, पर तुम्हें बहुत हल्के प्रश्न आएंगे। जब आप वाक्य से विशेषण छांटने लगो, ये तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है, जब आप, हाँ संज्ञा तो हो सकती है, पर जब विशेषण के साथ संज्ञा आती है फिर संज्ञा नहीं मानी जाती, तब उसे विशेष्य कहा जाता है। सीता जो है वो विशेष्य है इस समय, संज्ञा मत कहो उसे। ठीक है, कभी कभी विशेषण जब तुम वाक्य से पढ़ लो और पहचानने लगो ये विशेषण है, ये विशेष्य है, या ये प्रविशेषण है, तो पूछा जाता है विशेषण के प्रकार। प्रकार बहुत आते हैं, विशेषण असली में चार प्रकार का होता है, विशेषण के टाइप्स पूछे जाते हैं, आपको एक सेंटेंस दे देगा आप पहचान लेंगे इसमें विशेषण है, पर आपसे पूछेगा कौन सा विशेषण है, तो विशेषण चार प्रकार का होता है बच्चे, मैं नाम लिख देता हूं यहां पर। सबसे पहले मैं गुणवाचक विशेषण पढ़ाऊंगा, जो जब गुण से किसी की विशेषता बताई जाए, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, एक होता है सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम से किसी की विशेषता बताई जाए, विशेषण के प्रकार है, सुनो अभी, एक होता है गुणवाचक विशेषण, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस इसे समझ लीजिए, अभी करूंगा मैं। एक होता है गुणवाचक विशेषण, ठीक है, एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है सार्वनामिक विशेषण, नाम लिख रहा हूं मैं, दिख रहा होगा, बताऊंगा भी कैसे। एक होता है संख्यावाचक विशेषण, कभी कभी संख्याओं से विशेषता प्रकट होती है, संख्या वाचक विशेषण, और एक होता है परिमाण वाचक विशेषण। ये चार चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, याद रखिएगा। कमी सेंटेंस दिए आप ध्यान से सुनो, तो विशेषण चार प्रकार का, मैं फिर पढ़ लेता हूं, एक गुणवाचक विशेषण, पहले पढ़ाऊंगा आज मैं गुणवाचक, हालांकि पहले मैं सर्वनाम की पढ़ाता आया, पर पहले गुण, एक गुणवाचक विशेषण, एक सार्वनामिक विशेषण, एक संख्यावाचक विशेषण, एक परिमाणवाचक विशेषण, मैं एक एक करके विशेषण बताता जाऊंगा। वेरी गुड, प्रविशेषण इतने आ गया ना,
पता है अभी मैं सेंटेंस दूंगा तो बहुत हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं गुणवाचक विशेषण बता रहा हूं और बहुत आसान है। और गुणवाचक विशेषण, विशेषण जो होगा वो तो गुणवाचक होगा पर उसके साथ प्रविशेषण भी हो सकता है और विशेष भी बताना है आपको। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं कि जब गुण से विशेषता बताई जा रही होगी किसी की, उसे गुणवाचक कह देंगे। ऐसा भी सही है, लेकिन इसमें दो तीन चीजें लिख लो आप। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? क्या राइटिंग समझ में आ रही सबको? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? मैं लिख रहा हूं, जब गुण से, गुण माने क्वालिटी, गुण से, अवगुण से, अवगुण से, रंग से, आकार से, आकार से विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए किसकी? संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए तो उसे कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ध्यान से सुनिएगा, मैं करने जा रहा हूं, बस सेंटेंस दे रहा हूं आपको। पहले मैं आसान सा सेंटेंस दूं फिर एक मुश्किल सा दूंगा। मैं पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे कहूं कि उसने सफेद सफेद चादर सुखा दी, कितने बच्चे जानते हैं इसमें विशेषण है? बेटा मैं नहीं करा सकता, तुम्हें तो ये छांटना आना चाहिए। देखिए अगर मुझसे छांटने के लिए कहते हैं, मैं कहता उसने, ये विशेषण नहीं है तो सरनाम है भाई, विशेषण बताओ कहाँ है। पर देखिए क्या रंग है सफेद, अगर रंग हो, गुण हो, अवगुण हो, ये विशेषण होंगे। पर देखिए अगर सफेद विशेषण है तो बताओ विशेष क्या है? उसने सफेद चादर, क्या चादर संज्ञा है या नहीं इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। और बताइए जब मैं कहता हूं सफेद चादर, तो क्या ये गुण ही तो है चादर का? जब गुण से ही विशेषता बताई जाएगी, प्रविशेषण को एडवर्ब कह देते हैं बेटा इंग्लिश में प्रियंका, प्रविशेषण को एडवर्ब कहते हैं। तो तुम्हें बस ऐसे आना है अगर आया तो, पर कई बार ऐसे भी आएगा मैंने मैंने बहुत मजबूत, मैंने बहुत मजबूत लकड़ी की कुर्सी बनाई, मैंने बहुत मजबूत मजबूत, मैंने बहुत मजबूत लकड़ी की कुर्सी बनाई। कोई भी सेंटेंस दे देगा, मैंने बहुत मजबूत मजबूत लिखना इसे, मजबूत बापे ऊ की मात्रा और त, मैंने बहुत मजबूत लकड़ी की कुर्सी बनाई, कुर्सी बनाई। बताइए इसमें विशेषण कहां, पहले बताओ, प्रकार छोड़िए विशेषण बताइए। अरे विशेषण होगा तभी तो प्रकार बता पाओगे। लकड़ी की कुर्सी बनाई, बनाई, बताइए इसमें विशेषण क्या? मैं बड़े सेंटेंस दे देता हूं कई बार, हालांकि छोटे देने चाहिए मुझे। मैंने नहीं हो सकता विशेषण, बहुत पता नहीं क्या है पर बताइए, ऐसा ही लग रहा मजबूत लकड़ी। अरे लकड़ी की विशेषता है वो बहुत मजबूत है, कठोर है, क्या ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है? और जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएगा वो विशेषण है, इसमें यह विशेषण है। पर बताओ मजबूत लकड़ी का गुण ही तो है, जब गुण से ही विशेषता बताई जाएगी तो विशेषण है। पर सुनिए ये है विशेषण तो है, पर कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। बात समझ में आई? और ये जो है ये है प्रविशेषण, बहुत मजबूत है ना प्रविशेषण। और कोई पूछेगा ये क्या है? ये है विशेष। आपको तीनों चीज छांटनी आ जाए, पर हो सकता है कभी प्रकार पूछेगा आपसे, हो सकता है कभी प्रकार पूछेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल है। और बताओ अभी एक दो सेंटेंस और बताओ, मैं कम से कम तीन चार सेंटेंस दे दूं, टेस्ट तो हम बाद में ही ले लेंगे। एक और बताइए, अगर मैं कहता हूं भारत में सभ्य सभ्य लोग रहते हैं, बहुत इजी सेंटेंस दे रहा हूं बच्चे मैं, सभ्य लोग रहते हैं, तो सभ्य लोगों की विशेषता बता रहा है नहीं बता रहा है, तो ये विशेषण। क्या ये गुण ही तो है? हैं, तो जब गुण से विशेषता बताई जाएगी तो उसे विशेषण कहते हैं। हमारी कक्षा में होनहार विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो हमारी कक्षा में होनहार विद्यार्थी, मैं फिर एक सेंटेंस लिख रहा हूं बताइए। चलिए मैं कह दूं होनहार विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी ही होनहार विद्यार्थी ही होनहार विद्यार्थी ही, अगर मैं कहूं होनहार विद्यार्थी ही पढ़ाई करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो कितने बच्चे जानते हैं विशेषता किससे होनहार और किसकी विशेषता बताई जा रही है? विद्यार्थी की।
इस तरह से विशेषण। प्रविशेषण को बताया तथा प्रियंका भी, प्रविशेषण को एडवर्ब भी कह देते हैं। इंग्लिश में एडवर्ब दो तरह, हमारी हिंदी में दो तरीके से प्रयोग की जाती है। इंग्लिश में जो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है उसे भी एडवर्ब कहते हैं, और जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है उसे भी एडवर्ब कह देते हैं। पर हमारी हिंदी में जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो मैंने गुणवाचक बता दिया, अगले प्रकार पे जा रहा हूं, चलिए एक है सार्वनामिक विशेषण, इसे भी देख लीजिए। और नाम से ही पता लग रहा होगा सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं कि जब सर्वनाम से, कभी कभी सर्वनाम भी विशेषता बता देता है, तो जब कभी सर्वनाम के शब्दों से विशेषता बताई जाएगी, सर्वनाम पढ़ा चुका हूं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। पर इसकी परिभाषा यह सही होती जो मैं लिख रहा हूं, जब सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताए, ध्यान रखना, जब सर्वनाम संज्ञा की, ये कॉमा डाल दिया मैंने यहां, जब सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताए। कभी कभी सर्वनाम के शब्द विशेषता बताने लगते हैं संज्ञा की, और जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है वो तो विशेषण माना जाएगा। जब सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं उसे हमारी हिंदी में कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसा मैं लिखने जा रहा हूं, वह लड़का रो रहा है। असली में मैं वह हटा दूं तो देखिए बता सकते हो रो कौन रहा है, रो तो लड़का ही रहा है ना, पर कौन सा लड़का, वह लड़का। क्या ये इसको इंडिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको बताने का काम कर रहा है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसी की बात करता है तब उसे कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। फिर सुन लीजिए, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आएगा और वो उसी की बात करता है, असली में रो कौन रहा है, लड़का नहीं, वह लड़का। क्या ये इसको ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी कभी मैं इसकी जगह ये लिख दूं कि सुंदर लड़का, मैं ऐसे लिख दूं सुंदर लड़का रो रहा है, तो सुंदर लड़का क्या ये भी तो इसकी विशेषता बता रहा है। विशेषण हमेशा संज्ञा की ओर तो इंडिकेट करता ही नहीं करता है, पर कभी कभी गुण की जगह, ये गुणवाचक था, पर कभी कभी गुण की जगह क्या आ जाएगा, वह लड़का रो रहा है, तो वह क्या लड़के को इंडिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसे कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। और सर्वनामिक विशेषण को एक नाम से और जानते हैं, इसे कई बार संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण। अरे सर्वनाम तो तुम्हें पता है ना, कई सारे शब्द बता रखे हैं मैंने, तो इसमें ये शब्द विशेषण माना जाता है, इस शब्द को हम क्या कहेंगे, विशेषण। और इसकी परिभाषा यही है कि जब सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताने लगे, और कब बताते हैं विशेषता, जब संज्ञा से पहले आकर उसी की बात कर रहे हो, इसलिए कहते हैं सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए इस नाम से भी जानते से संकेतवाचक विशेषण। ध्यान से समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात या नहीं, चलिए अभी बताइए, और दो तीन सेंटेंस दे रहा हूं बताइए। पर देखिए कई लोगों ने सर्वनाम वीडियो देखना, कौन कौन से शब्द सर्वनाम होते हैं ये भी लिख देता हूं। अभी मैंने लिख लिया यह है, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं यहाँ, जब इनसे विशेषता बताई जाए, साइड में लिख देता हूं, देखिए मैं लिख देता हूं यह और वह, जब ये शब्द संज्ञा की विशेषता बताएंगे, इस और उस, ध्यान रखना ठीक है, यह वह इस उस ये वे कोई भी सर्वनाम होता है बच्चे, कोई ठीक है ना, किसी ठीक है, ये शब्द कभी आए और ये संज्ञा की विशेषता बताने लगे तो उसे कहते हैं हम सर्वनामिक विशेषण। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, हमने इस मकान को तोड़वा दिया, सुनिए तोड़वा दिया, कोई मुझसे पूछे, मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूं ये क्या है, तो मैं कहता हूं इस जो है वो सर्वनाम है, पर बताओ हमने मकान को तोड़वा दिया, पर किस मकान को, इस मकान को, क्या ये संज्ञा की ओर इंडिकेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले दिखे और उसी की बात करता है उसे कहते हैं हम सर्वनामिक विशेषण। समझ में आ रही बात, उसे कहते हैं हम सर्वनामिक विशेषण। यहां पर यह सर्वनामिक विशेषण है, पर बड़े सेंटेंस नहीं आके तुम्हें छोटे ही सेंटेंस आएंगे, पहचानना। जैसे मैं कहता हूं ये गाड़ी खराब हो गई, तो मुझे बताइए बात क्या हो रही है, ये गाड़ी, अरे खराब कौन हो गई, गाड़ी पर कौन सी गाड़ी, ये गाड़ी टूट
किसको तोड़ दिया, मकान को तोड़ दिया, पर किस मकान को, इस मकान को, इस तरह से ध्यान रखना। तो इसमें विशेषण कौन कौन से शब्द बनेंगे, सुनो, ये विशेषण कौन से बनेंगे, इस विशेषण कौन से बनेंगे, वह, पर ये सारे ही सर्वनाम है। कई बार ऐसे भी आएगा, एक शब्द और दे दूं मैं, पार्क में, पार्क में, पार्क संज्ञा, पार्क में कोई आदमी, कोई आदमी लिट रहा है या बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। और कितने बच्चे जानते हैं, कोई अगर मैं लिखूं यहां तो कोई विशेषण है या नहीं है, पर बताइए पार्क में आदमी बैठा हुआ है, पर कौन सा है, कोई आदमी। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये कौन से विशेषण के प्रकार हैं, सार्वनामिक। मैं पूछूंगा भी, टेस्ट भी लूंगा अभी, मैं करा दूं इसे, देखिएगा, चलते रहिए। ये हो गए दो, मैंने करा दिए, तीसरा देखो, चलते रहो, दो विशेषण हो गए। अरे क्लियर है, ऐसे तो करो, थंबनेल तो करो पहले, बस ज्यादा ना देकर सीधा टेस्ट करूंगा। देखिए मैं लेकर आया हूं, ऐसे आएगा तुम्हें बताने पड़ेंगे चारों प्रकार, ठीक है। और मुश्किल प्रश्न लाया हूं, इजी नहीं है, अभी सुनिएगा, टेस्ट देके जाइएगा। एक मैं तीसरा प्रकार कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक है संख्यावाचक विशेषण। क्या लिखा मैंने, संख्यावाचक विशेषण। इसे देखिए, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, पूछता है, एक एक करके कर रहा हूं, संख्यावाचक विशेषण। अच्छा सुनिए, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, सुन लो, कहते हैं जब संख्याओं से किसी की विशेषता बताई जाए, और किसकी विशेषता बताई जाएगी, संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। तो मैं लिख रहा हूं, जब संख्या, संख्या से किसी की विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए, तो उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। ये बात ध्यान रखना, इसकी परिभाषा संख्यावाचक की यही है कि जब संख्याओं से किसी की विशेषता, और किसकी विशेषता होगी, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी, तो हम उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। पर तुम इसे ऐसे भी पहचानना कि जब इसका मैं सेंटेंस दूंगा, इसका वाक्य दूंगा, तो उसमें किसी चीज को गिना जाता है, नापा तोला नहीं जाता। तो याद रखना, जब किसी को, किसी वस्तु या प्राणी को, किसी को गिना जाए, जब किसी वाक्य में कुछ गिनने की बात नजर आएगी, तब उसे कहेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। और मैं लिखने जा रहा हूं, आ रहा है ना समझ में, तो सुनो, मैं तो सेंटेंस दे रहा हूं, देखिएगा। पर एक काम करना, लिखने से पहले एक काम करना, हमारी हिंदी में जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो दो टाइप्स का होता है। वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, और मैं यही करने जा रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। ये दोनों पूछते हैं, कहते हैं एक होता है निश्चित, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। मैं आज थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जैसे किताबों में लिखा है बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूं, हालांकि पहले मैं समझाने पे ज्यादा जोर देता था, अनिश्चित संख्यावाचक। और तुम्हें आज की क्लास पसंद भी आएगी, जब बिल्कुल किताबों जैसी बताते हैं ना, जैसे तुमने पढ़ रखा वैसे ही पढ़ाऊं, पर मैं कोशिश करता था कई बार अलग अलग तरीके से लेकर चलूं, तो मैं अब भी पसंद आ जाएगी ये क्लास। तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, तो निश्चित सीधी सीधी बात है, जब संख्याएं पूरी निश्चित होंगी, कंफर्म होगा कि कितनी संख्याएं हैं, तब तो निश्चितवाचक, निश्चयवाचक होगा, और जब कंफर्म नहीं होगा कितनी नहीं है, तो अनिश्चित होगा, है ना। अनिश्चितता में मतलब कि जब निश्चित संख्याएं नहीं होंगी, लेकिन इतना ध्यान रखना है, जिसे गिना जाएगा वो संख्यावाचक माना जाएगा। अब मैं पहला उदाहरण दे रहा हूं और बड़ा आसान देता हूं, कक्षा में 10 बच्चे बैठे हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं, और मैंने उदाहरण दिया ये निश्चित में। पर सबसे पहले विशेषण छाटिए, आप देखिए विशेषण गुण भी होते हैं, पर जब संख्यावाचक विशेषण देखेंगे तो उसमें संख्या ही आएंगी। चलिए कक्षा तो संख्या दिखाई देती, में कारक चिन्ह है, क्या गिनती है, जब गिनती दिखाई दे वो विशेषण होगा। पर बताओ 10 कौन है, बच्चे हैं, क्या ये बच्चों की तो विशेषता बता रहा है, 5 बच्चे नहीं है 10 ही है। तो जब बच्चे कहें तो बच्चे संज्ञा है, क्या ये विशेष्य है या नहीं है, ये विशेषण है, ये विशेष्य है, इतनी बात तो समझ में आई। पर मुझे बताइए, जब मैं कहता हूं कक्षा में 10 बच्चे बैठे हैं, तो 10 बच्चों को गिना जाएगा, 1, 2, 3, 4 तभी तो बताएंगे, और 10 निश्चित है अनिश्चित, अरे 10 तो निश्चित है, गिन के बताएंगे कन्फर्म है, 20 नहीं है 10 ही है। तो जब निश्चित संख्याओं के साथ आएगा तो उसे निश्चयवाचक कहेंगे, लेकिन कभी कभी आएगा कक्षा में
कुछ बच्चे कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं। कई बार ऐसे आएगा, कितने बच्चे जानते हैं, कक्षा में भी लिख दूं यहां मैं, कक्षा में कुछ, और कुछ किसके साथ जुड़ रहा है, बच्चों के साथ, कुछ बच्चे। तो जब कोई शब्द संज्ञा को बताने लगता है तो विशेषण ही तो है। पर बताओ कुछ कन्फर्म है कितने हैं? देखिए अगर मैं कहूं कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं तो बताओ कुछ बच्चों को गिना ही तो जाएगा, अगर मैं अंदर जाऊंगा तो गिन सकता हूं। पर कुछ निश्चित है अनिश्चित? मैं बाहर से खड़ा हुआ देख रहा हूं, अरे कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं तो निश्चित बात नहीं है, क्या है? अनिश्चित। निश्चित कैसे होती है? जब संख्याएं नजर आएंगी तो निश्चित होता है, और जब संख्याएं नजर नहीं आती तो अनिश्चित होता है। ऐसे कर लीजिए बेटा, प्लेलिस्ट में हो जाएगी, जहां आप वीडियो देख रहे हो उसी में हिंदी क्लास रिकॉर्ड देखना है। एक अगला सेंटेंस दे रहा हूं, बताइएगा, एक अगला दे रहा हूं बताइएगा। अगर मैं कहता हूं वह, सुनिए एक सेंटेंस दे रहा हूं, वह घर में 10 कुर्सी लाया। तो देखिए 10 कन्फर्म है, 10 कुर्सी। और अगर मैं कहता हूं उसने हजारों कुर्सी देखी, हजारों कुर्सी देखी, तो कितने बच्चे जानते हैं उसने हजारों कुर्सी देखी? पर जब मैं कहता हूं उसने हजारों कुर्सी, ये विशेषण है, संख्या है विशेषण, और किसकी विशेषता बता रहे हैं? कुर्सी की। पर जब मैं कहता हूं उसने हजारों कुर्सी देखी, तो क्या हजार निश्चित है? हजार, जब मैं कहता हूं हजारों, तो हजारों से कम या ज्यादा है, उससे ज्यादा ही देखी होंगी, क्या ये अनिश्चितता की बात कर रहा है? जब संख्याएं बहुवचन के रूप में आती हैं तो अनिश्चित ही रहती हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो कई बार ऐसे भी पहचानना है आपको, ऐसे ये दोनों निश्चित निश्चय संख्यावाचक हैं और गिने जाएंगे। देखिए 10 कुर्सी भी गिनी जाएंगी, हजारों कुर्सियां भी गिनी जा सकती थी, पर हजारों में निश्चितता नहीं है, हजारों कन्फर्म नहीं है, एक या दो या हजार ही, या जब मैं कहता हूँ हजारों कुर्सी देगी तो हजारों से ज्यादा ही तो है या नहीं है? उसने हजारों रुपए कमाए तो कन्फर्म ये थोड़ा ना कि हजार ही रुपए कमाए, हजार से ज्यादा कमाए होंगे, पर हजार रुपए भी गिने ही जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ये कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं इसी तरह से समझाता जा रहा हूं। क्या करूं आगे? मैं इसके बाद छोटा सा एक टेस्ट ले लूंगा तुम्हारा, इस बार मैं करा रहा हूं संख्यावाचक। क्या क्लियर है या एक और सेंटेंस दूं? बताइएगा, प्रश्न क्लियर है तो कर लेना बच्चे से, कई बार ये भी आएगा आपको। अगला चल रहा हूं मैं, बचा परिमाणवाचक विशेषण, ध्यान दे सुनिए, एक और बताए, इसे करने के बाद आप टेस्ट देना, परिमाणवाचक विशेषण। और सुनो, परिमाणवाचक किसे कहते हैं? इसमें भी संख्याएं आती हैं, पर इनमें संख्याओं को गिना नहीं जाता, इसमें माप तोल की बात होगी। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चे, परिमाण के जिसे जिसे मापा तोला जा सके, मापा तोला जा सके, या जिसका मेजरमेंट किया जा सके, मापा तोला जा सके, उसे कहते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण, उसे कहते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है रवि, बस ध्यान से सुनिएगा इसे, उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। और जैसे संख्यावाचक दो टाइप्स की होती है, ऐसी परिमाण भी दो टाइप्स की होती है, और वो कौन सा होता है? एक निश्चित परिमाण, ये पूछते हैं कई बार एग्जाम में, एक निश्चित, इस बार निश्चित संख्यावाचक नहीं है, निश्चित परिमाणवाचक है, ये परिणाम लिखा है, परिमाण परिमाण परिमाणवाचक। और परिमाण कहते हैं जिसे नापा तोला जाएगा, जिसमें नाप तोल की बात होगी। और एक होता है अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण, क्लियर है सभी को? पहले ऐसे करो, आप, आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत तेज आ रही है बच्चे, बहुत तेज आ रही है। देखो मैं करने जा रहा हूं एक सेंटेंस और, निश्चित परिमाण किसे कहेंगे? आप सुनो, सेंटेंस दे रहा हूं मैं, इसमें दो ही। देखिए अगर मैं तुम्हारे सामने कहता हूं उसने 2 लीटर, उसने 2 लीटर, दिख रहा है सबको? दोबारा लिख देते हैं, उसने 2 लीटर दूध पिया। आपको विशेषण पहचानना कैसे पहचानोगे? अगर संख्याएं दिख रही है तो विशेषण होगा दो। चलिए बताइए, 2 निश्चित है, 3 लीटर या 2 लीटर? 2, पर बताओ 2 लीटर विशेषण है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। 2 लीटर दूध लिया, दूधी संज्ञा की तो विशेषता बता रहा है, पर 2 लीटर दूध गिना जाएगा या मापा तोला जाएगा? जो माप तोल की बात करेंगी वो किस में चला जाएगा? जो गिना जाएगा वो संख्यावाचक में जाएगा, और जो माप तोल की बात करेगा वो परिमाण में जाएगा। पर सुनो, 2 लीटर, 50 लीटर, ये निश्चित है या नहीं है? लेकिन अगर मैं कहता हूं उसने थोड़ी
चाय गिरा दी। तो एक काम करो, अगर मुझसे पूछे थोड़ी, क्या ये विशेषण है? क्योंकि थोड़ी चाय की विशेषता बता रहा है, कम चाय, थोड़ी चाय, ज्यादा चाय, ये विशेषता तो बता रहा है चाय की। पर जब मैं कहता हूं थोड़ी और आगे क्या लिखा है, चाय, बताओ थोड़ी चाय, थोड़ी निश्चित है या अनिश्चित? अब कंफर्म नहीं हो पा रहा कितनी थोड़ी, अंदाजा थोड़ी ना है, पर थोड़ी चाय गिनी जाएगी या मापी तोली जाएगी? मापी तोली जाएगी। इसे ऐसे निकाला करो, जब नंबर दिख गए तो निश्चित, जब नंबर नहीं दिखा तो अनिश्चित। और अगर नंबर प्लूरल में हो, बहुवचन के रूप में आ गया, तो अनिश्चित में जाता है। जैसे मैं बता देता हूं अभी, चलिए अगर मैं कहता हूं उसने दो गज कपड़ा, उसने दो गज कपड़ा छोड़ दिया, तो मुझे एक बार बताइए दो निश्चित है अनिश्चित? बिल्कुल निश्चित है, 10 मीटर, 2 गज, 2 किलोमीटर, ये पूरे निश्चित। पर 2 गज गिना नहीं जाता, इंच टेप से मेजरमेंट किया जाता है, जो मापा तोला जाएगा वो संख्या में जाएगा। तो 2 गज कपड़ा निश्चित है, लेकिन अगर मैं कहता हूं उसने हजारों हजारों गज कपड़ा बेच दिया, तो एक काम करो, सिर्फ 1000 गज ही बेचा या उससे बहुत ज्यादा हो सकता है, 1000 गज? तो ये ना बहुवचन के तौर पे आई, यहां संख्या, जब संख्या नहीं है तब तो अनिश्चित ही है, और जब संख्या में नजर आएंगी तो ये ध्यान रखना ये अनिश्चित में जाएंगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये मैंने 4 विशेषण दे दिए। बेटा मैं थोड़ा धीरे, नहीं सही बोल रहा हूँ, आवाज पूरी जा रही है आपकी, कैसे नहीं ला पा रही है देखिएगा। और यहां बताइए, एक टेस्ट दे रहा हूं मैं, हो गया विशेषण, हो गया। चलिए एक प्रश्न बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए इसके, 10वें प्रश्न दे रहा हूं और मैं मुश्किल प्रश्न इसमें से हटा लूंगा, क्योंकि ये मैंने DSSB की PDF से कुछ प्रश्न कराने की कोशिश की है। एक PDF विशेषण की आपके पास पहुंचेगी, उसे पढ़ लेना। बताओ इसका प्रश्न, देखिए मैं बता देता हूं, मैदान लंबा है, तो लंबा कौन है? मैदान। इसमें ये जो है वो विशेषण है पक्का, और लंबा कौन है? मैदान। ये है इसमें विशेष है, ये है विशेषण, तो कितने बचे हैं? लंबा ना तो संख्या है, देखिए सर्वनाम तो है नहीं लंबा, कुछ शब्द बताए थे, लिखवाए थे मैंने, ना परिमाण है ना संख्या है। क्या गुण है या नहीं है? तुम में से कई बच्चे से गुण ही बताओगे, लंबा चौड़ा ऊंचा नीचा नाटा गिट्ठा, ये सब ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न, यह पानी तो सबका है, देखते हैं कौन मुझे बताएगा, मुझे नहीं पता इसमें विशेषण कौन सा, तुम बताओ। विशेषण गुण भी हो सकते हैं, विशेषण सर्वनाम भी हो सकते हैं, विशेषण संख्याएं भी हो सकती है, और संख्याएं निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकती है, परिमाण में भी संख्याएं आ जाती हैं, पर नाप तोल की बात करेंगे वो। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, यह पानी तो सबका है, 10 प्रश्न करके दिखाओ मुझे फटाफट, जल्दी से, ताकि मैं दूसरी क्लास लेने जाऊं। चलो कम से कम 10 प्रश्न, और मुश्किल दे रहा हूं आसान नहीं दे रहा हूं, बताओ। दिखता है तुम्हें सर्वनाम यहां? और एक काम करो, पानी तो सबका है, पर कौन सा पानी? यह पानी। क्या यह सर्वनामिक विशेषण है या नहीं है? कहां है? क्लियर है सभी को? समझ में आ रही बात या नहीं? अरे समझ में आ रही है, सिर्फ गुण ही नहीं होते हैं विशेषण, सर्वनाम भी विशेषण बनते हैं, जब सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी बात करने लगे। क्या सबको क्लियर है ये डी है या नहीं है? बहुत जल्दी उत्तर दो तुम लोग, इतना लेट दे रहे हो तुम लोग। हाँ आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए और कोई पूछना है तो पूछते रहिए, जो ये वाला क्वेश्चन रहने दीजिए, ये तुम्हारा नहीं है, ये भी। चलिए बताइए फटाफट, जो आकार की बात करेंगे वो कौन से विशेषण है? जो आकार की बात करते वो कौन सा विशेषण है? सर्वनाम, सर्वनामिक तो सर्वनाम की बात करेगा, संख्यावाचक विशेषण गिनने की बात करेगा या संख्याओं से सूचित होगा, अब परिमाण भी संख्याओं से ही सूचित होगा। पर देखिए गुणवाचक में रंग, गुण, अवगुण और आकार तीनों चले जाते हैं, असली में इसमें उत्तर आएगा ए। देखिए मैंने ये PDF तुम्हारे लिए बनाई थी, ये बड़ी क्लासेस के लिए बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका उत्तर ए कैसे है, जैसे मैं तुम्हें समझा के बताता हूं इसका उत्तर ए कैसे है। एक सेंटेंस दिखाना, मैं तुम्हें आकार भी दिखाता हूं और तुम्हें ऐसे लगेगा गुण है। चलिए बताइए, वह बहुत मोटा आदमी है, सबको ऐसा लग रहा होगा मोटा गुण है या नहीं है? वह बहुत मोटा आदमी है, और मोटा कौन है? आदमी है ना,
और मोटा गुण है, पर बताओ क्या मोटा उस आदमी की शेप की बात कर रहा है, आकार की बात कर रहा है? अरे वह पतला आदमी है, अरे वह तिरछा, कहते ना नाटा है, गिट्ठा है, ऊंचा है, लंबा है, क्या ये किसी के शेप की बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हमेशा ध्यान रखना नाम से जो आ रहा है ये नाम ही अब काफी है इसके लिए। पर जब कभी गुण आता है तो गुण में बहुत सारी चीजें आती है, रंग आते हैं, गुण आते हैं, अवगुण आते हैं, आकार आते हैं। इसका उत्तर सही ए है, याद रखिएगा, मैंने ये बताई भी थी ए। मुझे नहीं पता, ये बड़ा आसान प्रश्न है, माप तोल का ज्ञान कराने वाले विशेषण कौन से, जल्दी से बताइए, मैंने बड़े इजी इजी रखे हैं तुम्हारे, पर तुम्हें ज्यादातर सेंटेंस आएगा, इस पे बात ही नहीं करनी मुझे, क्योंकि ये इतना आसान है। माप तोल की एक ही बात करेगा, वो कौन है? परिमाणवाचक विशेषण। संख्याओं की गिनने की बात कौन करेगा? माप तोल नहीं, गिनने की बात कौन करेगा? गिनने की बात करेगा संख्यावाचक। सर्वनाम की बात कौन करेगा? सर्वनामिक। और रंग, गुण, अवगुण, अवगुण, नए तरह के प्रश्न बनाए तुम्हारे लिए मैंने ऐसे, ठीक है ना, वो किसकी विशेषता बताएंगे? वो कराएंगे। इसका उत्तर बी लगाओ, सी कैसे लगा रहे हो तुम? इसका उत्तर बी, ठीक है या नहीं है? क्वेश्चन पीडीएफ सेंड नहीं करूंगा, एक अलग पीडीएफ दूंगा तुम्हें, ठीक है, तुम्हारे लिए जो थोड़ी सी इजी बनाऊंगा इसे, ठीक है। चलिए, थोड़ी मलाई देना, थोड़ी मलाई की विशेषता बता रहा है कौन सी? थोड़ी मलाई देना, बताइए कौन सा विशेषण है, फटाफट बताइए। थोड़ी मलाई देना, और ध्यान से सुनना, थोड़ी निश्चित है अनिश्चित ये भी बताओ, और थोड़ी मलाई गिनी जाएगी या क्वांटिटी की बात करेगी? मुझे ज्यादा मलाई चाहिए तो गिन के दी जाएगी, या क्वांटिटी इतनी होगी या उतनी सारी होगी, बताओ कौन सा जाएगा? थोड़ी मलाई। एक काम करो, थोड़ी जो है वो निश्चित तो नहीं है, पता नहीं है थोड़ी कितनी है, गिनती में आएगी तो निश्चित होगी, एक तो निश्चित गया, ये तो ऑप्शन गया ही है ना, निश्चित निश्चित तो गया, ये तो गया, ये वाला तो गया, निश्चित वाला तो गया, यानी ये निकल गया, और थोड़ी दे रखा है तो निश्चित वाला गया, तो दो हो सकते हैं, एक संख्यावाचक और एक परिमाण, बताओ कौन सा लगाया? तो 15 का नहीं आया। मैं एक काम करूं, थोड़ी मलाई गिनी नहीं जाएगी, संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी जाएगा परिमाण। थोड़ा दूध देना, थोड़ी मलाई देना, थोड़ी चाय देना, समझ में आया, थोड़ा पानी देना, पानी मलाई दूध, ये गिनी जाती है, माप तोल जाएंगी, ये क्वांटिटी की बात करती है, ये किस में जाएगा? डी, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, इसका उत्तर ये जाएगा, ध्यान से पढ़ो, थोड़ी मलाई गिनी जाएगी तुम, अच्छा मैं मांगू मुझे बहुत सारी मलाई दो, तो गिन के दी जाएगी या चम्मच भर के दी जाएगी? क्वांटिटी की बात कर रही है, मात्रा की बात कर रही है, जो मात्रा की बात करेगी वो परिमाण जाएगा। फिर बताओ, 10 और ग्राम, ग्राम गिना जाता है, मापा तोला जाता है, ये बताना। 10 ग्राम सोना खरीदा, फिर बताओ उसने 10 ग्राम सोना खरीदा, अब 10 गिनती आ गई तो निश्चित है, तो अनिश्चित वाले कट गए, एक तो ये कटा, एक ये कटा, अरे कट गए, नहीं कट गए, कट गए या नहीं कट गए? बिल्कुल कट गए। अब बताइए निश्चित संख्यावाचक और परिमाण, क्योंकि देखिए गुण तुम बता दोगे और सर्वनाम से पहचान लोगे, प्रश्न देने चाहिए तो परिमाण और संख्या पर, क्योंकि उसी में हेर फेर होगी, क्योंकि दो दो प्रकार के होते हैं, बताओ कौन सा आंसर लगाओगे, निश्चित संख्यावाचक या निश्चित परिमाणवाचक? तो मुझे लगता है 10 ग्राम गिना नहीं जाता, हम मेजरमेंट करते हैं उसका, है ना, 10 किलो, 10 ग्राम, 10 मीटर, जब ग्राम मीटर किलोग्राम आते हैं तो वो परिमाण में रखे जाते हैं, और 10 ग्राम सोना बच्चे मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट अगर आ जाए ना 10 कैरेट तो भी मेजरमेंट किया जाएगा, ये कौन सा जाएगा? ये जाएगा निश्चित परिमाण जिसने लगाया। आगे बताओ, शाम को बताओ भाई, इसको बताओ, राम को शाम से, और क्या लिखा, तिगुना फायदा हुआ, तिगुना फायदा हुआ, 3 गुना फायदा हुआ, तो मुझे बताओ तिगुना ये कौन सा विशेषण लगाओगे? अब सुनो ध्यान से, नंबर किसी भी शेप में दिखेगा तो वो निश्चित होता है, अगर बहुवचन में नहीं है। चलिए बताओ, ये 2 गुना लिखा है, 4 गुना लिखा है, या 3 गुना लिखा है? 4 गुना का मतलब है 4 गुना चाहिए, 5 नहीं, 3 गुना 4 गुना, 3 माने 3, ये निश्चित है, 3 गुना 4 गुना 5वां, ठीक है या नहीं है? प्लीज टेल मी, क्या पूछना चाह रहे हो गुरमित? गुरमित पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो, दोबारा कमेंट करो, मैं देख ही लेता हूं तुम्हारा कमेंट, रुको, प्लीज टेल मी गुरमित, टेल मी सर, आंसर आते हैं बेटा, आंसर आपके आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, नहीं ठीक से पढ़ना ज्योति से, ठीक से पढ़ो, तिगुना फायदा अगर 3 नजर आ रहा है किसी भी शेप में,
बहुवचन के रूप में नहीं है। तो यह है निश्चित तिगुना फायदा हुआ, तो तिगुना फायदा तो तीन गुना गिना जाएगा, तो यह है निश्चित संख्या वाचक। क्या लगाया? अनिश्चित क्यों लगा रहे हो? अनिश्चित कैसे जाएगा बेटा? रेणु निश्चित संख्यावाचक, मैंने मुश्किल तुम्हें दे दिया पीडीएफ इसका, पर यह जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यह जाएगा निश्चित संख्या परिमाण में, मतलब तिगुना फायदा हुआ। अरे तीन गुना फायदा हुआ, ठीक है ना? नापा तोला जाएगा या गिना जाएगा? गिन के तो बताएंगे इतने गुना हुआ, ठीक है या नहीं है? क्लियर हो रही है बात या नहीं? थोड़ा ध्यान रखना इसे, आगे चले बताइए। मैं बच्चे आज की क्लास यही रख रहा हूं, आज मैंने कुछ प्रश्न दिए, ठीक है, एक वर्कशीट भेजूंगा, उसमें पूरा ये वाली नहीं तुम्हारी वाली भेजूंगा, मेरे पास ये वाली पीडीएफ पड़ी थी आज। तो तुम एक काम करोगे, तुम कल की क्लास में मुझसे मिलोगे, ओ जब भी क्लास होगी, और आज मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है? कोई नहीं छोड़िएगा, कोई नहीं, जयदेव इसे ध्यान रखना। तो थोड़े से मुश्किल प्रश्न आते, पर तुम ध्यान रखोगे विशेषण के प्रकार। तो आज की क्लास के लिए मैं विदा लेता हूँ, अगली क्लास में मिलेंगे। क्या क्लास समझ में आई तुम्हें या नहीं? थोड़ी सी टिपिकल लगी होगी, लेकिन विशेषण में थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? प्रश्न तो देखिए, मैं तुम्हें सही पूछूं तो इस तरह की बात, देखिए विशेष इस तरह के प्रश्न आएंगे, विशेष ये तो आएगा नहीं तुम्हें, खैर ये वाला प्रश्न, क्योंकि तुम्हें सेंटेंस से ही पूछा जाएगा। चलिए वो बताइए, जल्दी से बताइए, सर्वनामिक विशेषण युक्त उदाहरण कौन सा है? अगर मैं पूछूं सर्वनामिक, मैं वो प्रश्न देता हूं जो तुम्हें आ सकते हैं, चलिए बताइए सर्वनामिक विशेषण उदाहरण कौन सा हो सकता है? सर्वनाम, देखिए सर्वनामिक विशेषण में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी तुम्हें। देखिए सर्वनामिक विशेषण पता है, सुनिए, इसमें कोई सर्वनाम इस्तेमाल नहीं किया गया है। काला कुत्ता, ये तो गुण है, ये तो गुणवाचक है, रंग गुण में जाएंगे, ये तो गया। सीता अच्छी औरत है, अच्छी औरत ये भी गुण है, तो ये भी गया, दो तो यहां से निकल गए। मैं सिर्फ वो प्रश्न पूछता हूं जिसमें सर्वनाम और ये प्रकार पूछे जाएंगे। हाँ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, इसे बताओ। अब देखिए यहां दो सर्वनाम आया, यहां सर्वनाम, पर इसका उत्तर बताइए क्यों है? क्योंकि सर्वनाम संज्ञा से पहले आना चाहिए, यहां सारी की सारी क्रियाएं है, आ रहा है वह आ रहा है, पर देखिए हंसता है कौन? आदमी हंसता, पर कौन सा आदमी? वह आदमी। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसी की बात करेगा तब वो माना जाएगा सर्वनामिक विशेषण। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ए, लगाया तुमने ए, इस तरह से ध्यान रखना। अभी मैं प्रश्न देखते हुए चलूंगा, चलिए बताइए इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है? इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है? अब देखिए एक छोटी सी बात सुन लो, ना ये विशेषण है, ना ये विशेषण है, ना विशेषण है, विशेषण एक ये है। अगर कभी सिंगल में विशेषण आए सच्चा, तो कैसे पहचाने? इसके साथ तुम संज्ञा फिट कर दोगे, जैसे सच्चा आदमी, सच्चा बालक। जबकि मिठास भाव है, अगर खाली मुझसे मीठा पूछते तो विशेषण होता, जैसे मीठा आम, मिठास नहीं होगी, ठीक है या नहीं है? ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा, मैंने पढ़ाई थी संज्ञा में भाववाचक, याद रखना। मिठास किसी में पाई जाएगी, नम्रता किसी में पाई जाएगी, शीतलता किसी में पाई जाएगी।